हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पास्ता की रेसिपी आपको बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से और घर के ही मसालों से बनाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर मैक्रोनी पास्ता लिया है और ये 200 ग्राम है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए देखिए, हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और इसमें अब हम नमक डाल दे रहे हैं और साथ ही डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हमें पास्ता को डालना है। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ रही है तो अब हम इसमें डाल देते हैं पास्ता। याद रहे, जब उबाल आए तभी पानी में डालें पास्ता, और उसके बाद हमें पास्ता को चलाते रहना है, नहीं तो पास्ता जो है वो चिपक जाएगी। तो इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है, और जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो ये देखिए, हमने पास्ता को बॉईल कर लिया है और देखिए ये गल गई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे छाक देते हैं। और पास्ता फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई पर तेल डाल दे रहे हैं। तो यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और प्याज को चला लेना है। हमें ज़्यादा ब्राउन करके नहीं भूनना है क्योंकि प्याज हमें क्रंची चाहिए। तो अब हम इसमें डालते रहे मिर्च, अदरक, लहसुन, जिसे हमने चॉप कर लिया है। हमें इसमें पेस्ट नहीं डालना है, इसी तरह से हमें चॉप कर लेना है, नहीं तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे भून लिया है और प्याज देखिए क्रंची हो गई है और हम नहीं भूनेंगे। तो अब हम इसमें डालते रहे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें हमने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये हमने कलर के लिए यूज किया है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और मसाले गले में, इसलिए हम इसमें डालते रहे पास्ता वाला पानी, जिसमें हमने पास्ता को बॉइल किया था, इसलिए बहुत ही गाढ़ी होगी, पास्ता अच्छी लगेगी। तब हम इसमें टेस्ट के लिए डालते रहे नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसालों को। मसाले देखिए भून गए, अब हम इसमें डालते रहे टोमेटो सॉस और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है टोमेटो सॉस डालने के बाद, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो ये देखिए, मसाले भून चुकी है, तब हम इसमें बॉईल की हुई पास्ता को डाल देते हैं। और अब हम पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। तो मसालों के साथ मिक्स करने के बाद पास्ता को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 मिनट या 2 मिनट तक हम मसालों के साथ पास्ता को भून लेते हैं, और उसके बाद हमारी पास्ता बनकर तैयार हो जाएगी। पास्ता बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाती है, और हमें मेहनत भी बहुत कम करना पड़ता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए, पास्ता बन तैयार हो गई है, तब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। आप इसे पास्ता को सुबह ब्रेकफास्ट या शाम को, या जब भी हल्की भूख लगे तब आप खा सकते हैं। अगर आप बच्चों को तीनों टाइम इसे दें तो तीनों टाइम खाएंगे, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का फेवरेट है पास्ता चाउमीन, तो आप उन्हें कभी भी बना कर दे सकते हैं। और ये हम बग़ैर सब्जी के बनाए हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जी पास्ता में डालकर बना सकते हैं। अक्सर बच्चे पास्ता तो खा लेते हैं लेकिन सारी सब्जियों को प्लेट में ही छोड़ देते हैं, तो आप इस तरह से बग़ैर सब्जी की घर के ही मसालों से हेल्दी पास्ता बच्चों को खिलाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।